ओके द फॉरेस्ट आर थिक, थिक कहते हैं घने को, एंड लश लश कहते हैं सरसब्स को, यानी जो जंगलात होते हैं वो घने और सरसब्स होते हैं. द टॉल ट्रीज फॉर्मिंग अ कैनोपी हाई अबव द ग्राउंड, कैनोपी कहते हैं छत्र या छतरी की शक्ल का, तो जो लंबे लंबे दरख्त होते हैं वो ज़मीन पर छतरी की शक्ल देते हैं. ऑल द स्मॉलर ट्री प्लांट ग्रो टू, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग, ट्राइंग कहते हैं कोशिश करना, टू रीच पहुँचने की द सनलाइट, सूरज की रोशनी तक, तो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं वो भी ग्रो करते हैं क्योंकि वो सूरज की रोशनी तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. द फॉरेस्ट आर सो थिक, जंगलात बहुत घने होते हैं, दैट व्हेन अ ट्री डाई, डाई कहते हैं मरना या ख़त्म होना, और इज चॉप्ड डाउन या कट जाना, तो जो ऐसे दरख्त होते हैं जो ख़त्म हो जाते हैं या कट जाते हैं, इट डज नॉट क्रैश, क्रैश कहते हैं टूटना, टू द ग्राउंड, टूट कर गिरना, टू द ग्राउंड ज़मीन पर, तो फिर वो टूट कर ज़मीन पर नहीं गिरते. इट्स मेरली, मेरली कहते हैं सिर्फ इसलिए. रेस्ट एंगेज द अदर ट्रीज क्लोज्ड बाय द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर रिच इन मेडिकल प्लांट्स, मैं रिच कहते हैं माला माल, और इसका यह है कि ख़त्ते इस्तफाई जो जंगलात होते हैं वो जो दवाइयों वाले पौधे होते हैं उनसे माला माल होते हैं. मूव टू इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, मोर रेन कैन फॉल इन अ डे इन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यानी ज़्यादा बारिशें होती हैं एक दिन में ख़त्ते इस्तफाई जंगलात में, देन इन अ होल ईयर इन अ डेजर्ट्स, ये पूरे सहरा में पूरे साल होने वाली बारिश से, यानी जो ख़त्ते इस्तफाई जंगलात होते हैं वहाँ पर जो बारिश एक दिन में बारिश होती है वो सहरा में पूरे साल में होने वाली बारिश से ज़्यादा होती है. तो आज का आपका लेक्चर सिर्फ इतना ही था.